320 रुपए में। ठीक, ऑफर में आपकी पड़ेगी ये 550 रुपए, 420 रुपए, 80 डाया में मिलेगी। हाई स्पीड में होगी हमारी, हाई स्पीड के अंदर। ठीक, एक इंच की किट अपनी ये आपको पड़ेगी 520। मेनली 3 स्पीड के होते हैं बट इसके अंदर जो ओरिजिनल है 2 स्पीड है, ये 550 रुपए। 550 28 mm में जी आपको पड़ेगी 700। 15 इंची कॉपर की मोटर आ गई, 15 इंची एग्जॉस्ट कॉपर की आपको पड़ेगी 1300 रुपए। डिफरेंस है और मॉडल का, मॉडल का ये आपको पड़ेगी 850 रुपए। प्योर कॉपर होगी, प्योर पॉलिश वाली कॉपर नहीं होगी इसमें, मार्केट में ये आपको पड़ेगी 900 रुपए। 900 रुपए क्रॉम्पटन और ये हमारी मोटर बराबर टक्कर की मोटर है, बिल्कुल पड़ेगी 1650 रुपए। 45 mm स्टैंपिंग, 100 रुपए की हमारी 2 गज की लीड मिल जाएगी आपको। ये आपको पड़ेगा 1600 रुपए की, 100 रुपए पड़ेगा 1800 रुपए। 1800 रुपए जी। ये आपको पड़ेगा 2500 रुपए लीड जी। ये आपको पड़ेगा 50 रुपीस 14 इंची में, 14 इंची आपको पड़ेगा 45 रुपीस। ठीक है सर। ये आपको पड़ेगा 85 रुपीस। 85 चार पीस का सेट मिलेगा आपको 40 रुपए। 40 रुपए का, 40 रुपए का 45 सेट, चार पीस का सेट 48 सेट। ये फ्रेश में मिलते हैं 50 रुपए, ये हैवी व्हील सर आपको पड़ेगा 55 रुपए सेट। 55 ये आपको पड़ेगा 90 रुपए का सेट, 300 रुपए सेट लॉक वाले। ठीक है, ये 200 लीटर के कूलर में आराम से चलते हैं। अच्छा, ये वाली 4.5 रुपए की वैरायटी मैम, 6 रुपए पीस पड़ेगी आपको। डायमंड मार्केट में किसी के पास नहीं वाली, ये डायमंडों को हमारे पास ही मिलेगी। कलर की वैरायटी मिलेगी ब्लैक व्हाइट और ब्लू, ये आपको पड़ेगा 17 रुपए पीस। ये अपना एग्जॉस्ट पे भी काम करेगा, अपना कॉपर सर्किट के अंदर है, 30 इंची के मोटर पे भी चला सकते हैं। इसकी 6 महीने की गारंटी रहेगी आपको। ये आपको पड़ेगा 70 रुपए पीस। 70 रुपए ये आपको पड़ेगा 73 हैंगिंग मॉडल में आता है अपने जी। ये आपको पड़ेगा 200 रुपए पीस। जो जाता है पानी से ख़राब हो जाती है मोटर, इसके लिए लगता है। अपने फैंसी कूलर की आइटम आ जाती है, फैंसी कूलर में अपनी इनलेट आउटलेट, वाटर इनलेट आउटलेट जी। ये आपको पड़ेगी 18 रुपए पीस जी, पड़ेगा 35 रुपए पीस जी। नोब लगा के इसके कॉम्बिनेशन बना के 48-76 आपको पड़ेगा 230 रुपए को, पड़ेगी 65 रुपए सेट पाउडर कोटी। ये 19 इंची है, ठीक है। ये अपना क्रोम रिंग लगता है, क्रोम रिंग किट के लिए आपको पड़ेगा 55 रुपए सेट, 80 रुपए का सेट। जी कूलर ये लोहे के कूलर की है, लोहे के कूलर के छोटा साइज होता है। ये अपने फ्रेश एयर फैन आया था, फ्रेश एयर फैन आपको मोटर हैवी वाली मोटर है जो मैंने आपको दिखाई। आज मैं दोस्तों आपको लेके आए इंदर लोग की ऐसी शॉप पर जहाँ देखिए आपको कूलर की सारी एसेसरीज मिलने वाली है, मोटर पंप ठीक है, जितनी भी एसेसरीज होती है सारी एसेसरीज आपको मिलने वाली है। तो ये इंदर लोग की शॉप नंबर 1 है। पहले सबसे पहले मैं आपको दुकान का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये पूरा गोदाम इनका भैया का, ये देखिए पूरा गोदाम इनका है, ये देखिए ये चारों ओर आप देख रहे होंगे। तो कूलर के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो मोटर होगी चाहे वो पंप हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पंखड़ी हो गई होलसेल रेट में, ये देखिए हनीकॉम्ब पैंट हो, ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे, हर साइज़ में आपको मिलने वाले हैं। देखिए ऐसे किट मिल जाएगी, हनीकॉम्ब पैंट मिल जाएगा आपको। ये आपको मिलवाते हैं शॉप के ऑनर से। भैया नमस्कार। हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है? अपना नाम बताइए। औसाफ नाम। अच्छा, ये शॉप नंबर कितना होता है आपका? शॉप नंबर 1। शॉप नंबर 1 इंदर लोक में, ठीक है। तो कुछ लोकेशन बता दीजिए आने की। लोकेशन ईजी लोकेशन है, इंदर लोक कूलर मार्केट शॉप नंबर 1 अपनी। शॉप नंबर 1 मतलब ठीक है, शॉप नंबर 1 ये पूरा गोदाम आपका ये जी। तो कूलर के भैया क्या क्या पार्ट सारे अवेलेबल? सारे कूलर के A to Z पार्ट्स मिलेंगे हमारे पास, कैबिनेट को छोड़ के। कैबिनेट छोड़ के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे हमारे पास, छोटे से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाएगी, सारी चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, आपको एक एक करके सारी जानकारी देते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो भैया मोटर की शुरुआत कहाँ से होती है? जी यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है अपनी, सातसूत मोटर, सातसूत मिनी मोटर है ये। अच्छा, पड़ेगी 280 रुपये। 280 रुपये की, ठीक है। 280 रुपये 12 पीस की पैकिंग मिलेगी। अच्छा ठीक है, ये वाली ये अपनी सातसूत मोटर, ये CRC स्टैंपिंग में मिलेगी। CRC स्टैंपिंग में आपको पड़ेगी 300 रुपये, 20 रुपये का डिफरेंस आएगा। इसकी स्टैंपिंग का फ़र्क आता है कोर का। अच्छा, मेरे कोर है इसके अंदर, कोर इसके अंदर कोर है, कोर इसकी सेकंड की कोर है, इसकी फ्रेश की कोर है जी, ठीक है। फिर अपनी आती फिर 1 इंच स्टैंपिंग में होता। अच्छा, ये अपनी 1 इंच स्टैंपिंग में आपकी पड़ेगी 320 रुपये। 320 रुपये 320 रुपये में, ठीक है। उसके बाद भैया ये वाली, फिर ये अपनी कॉपर में मोटर आती है, कॉपर में आपकी पड़ेगी ये 550 रुपये। 550 की बुश के अंदर, बुश में ही आती है ये, ये चारों मोटर बुश में, चारों मोटर बुश के अंदर है, ठीक है भैया। ये कॉपर में, ये तीनों एल्युमिनियम में, ठीक है। फिर अपनी 6 सूट किट आती है, 6 सूट किट आपको पड़ेगी ये 420 रुपये। 420 रुपये की, 420 रुपये 80 डाया में मिलेगी। ये हमारी 6 सूट की किट मार्केट की 1 इंची किट के बराबर है जी, ठीक है। हाई स्पीड में होगी हमारी, हाई स्पीड के अंदर, ठीक है। फिर 1 इंची मोटर आ गई अपनी, 1 इंची किट अपनी, ये आपको पड़ेगी 520 रुपये। 520 रुपये मारुति स्टैंपिंग में, ठीक है। ये मार्केट में ड्रम यूज़ होता है इसके, वो वाली यूज़ नहीं करते हम, उसमें स्पीड का बहुत फ़र्क आता है। अपनी मारुति में होगी हाई स्पीड में मोटर, ठीक है। फिर अपनी एक और आती है 1 इंची 2 स्पीड मोटर जी। इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, 4 तार निकले हुए हैं। अच्छा, ये मेनली 3 स्पीड के होते हैं बट इसके अंदर जो ओरिजिनल है 2 स्पीड है जी। मार्केट में इसी को 3 स्पीड बता के बेचा जाता है जी, ये ओरिजिनल 2 स्पीड में जी। ये आपको पड़ेगी 550 रुपये। 550 रुपये, 50 रुपये जी, ठीक है। फिर अपनी 110 मोटर आती है जी। 110 मोटर आप 28 mm में जी, आपको पड़ेगी 700 रुपये। CRC जी,
फिर अपनी 32 एम भी आती है, 32 एम आपको अपनी यूनिक के नाम से मिलेगी, ये आपको पड़ेगी 720 रुपये जी, 720 रुपये CRC स्टैंड में, ठीक है। फिर अपनी कुप्पा मोटर आती है, कुप्पा मोटर 700 में आपको पड़ेगा 530 रुपये और 1 इंच में पड़ेगा 550 रुपये, मारुति स्टैंपिंग होगी। फिर अपना 15 इंची कॉपर की मोटर आ गई, 15 इंची एग्जॉस्ट मोटर, इसमें एल्यूमिनियम आपको पड़ेगी 780 रुपये और कॉपर पड़ेगी आपको 1280 रुपये जी। एल्यूमिनियम और कॉपर के अंदर गारंटी का वो होगा, और एल्यूमिनियम की गारंटी आपकी 6 महीने की रहेगी और कॉपर की गारंटी 1 साल की रहेगी, डेट टू डेट, ठीक है। फिर 18 इंची एग्जॉस्ट की मोटर आएगी जी, 18 इंची एग्जॉस्ट की मोटर आपको पड़ेगी 830 रुपये जी, 830 रुपये मिलेगी। फिर एक क्वालिटी और आती है, ये पड़ेगी आपको 850 रुपये, ये दोनों एल्यूमिनियम, इसमें एक कॉपर की आ गई, कॉपर की आपको पड़ेगी 1300 रुपये, 1300 रुपये ठीक है, 1300 रुपये कॉपर में पड़ेगी। और ये वाली जी, फिर इसमें अपना 996 मॉडल आता है एल्यूमिनियम के अंदर। अच्छा, ये हाई स्पीड है, ये सारी हाई स्पीड मोटर है। अच्छा, इसमें बॉडी का डिफरेंस है और मॉडल का, मॉडल का जी, ये आपको पड़ेगी 850 रुपये, 850 रुपये पड़ेगी। ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है। अच्छा, इसके अंदर कॉपर के लेते हैं तो जी, कॉपर के इसमें दिखा दूँ। अच्छा, इसमें एक क्वालिटी और है, ये आपको पड़ेगी 850 रुपये, ये भी 850 में, दोनों क्वालिटी 850 में, ठीक है। फिर कॉपर में आती है, कॉपर में आपको पड़ेगी 1320 रुपये, 1320 रुपये, 1320 रुपये कॉपर, प्योर कॉपर होगी, प्योर पॉलिश वाले कॉपर नहीं होगी इसमें, मार्केट में चलता है पॉलिश वाले कॉपर, वो वाले कॉपर नहीं होगा इसमें। इसमें एक और आती है 996 मॉडल में, ये 1.5 इंची कोर में आती है, ये आपको पड़ेगी 900 रुपये, 900 रुपये, ये 900 रुपये पड़ेगी 1.5 इंची कोर में जी, इनसे हैवी मोटर है। अच्छा, इनसे हैवी मोटर है जी। फिर एक और आया था इसमें हैवल्स मॉडल। अच्छा, ये हैवल्स मॉडल आपको पड़ेगी 1600 रुपये, 1600 रुपये 1.5 इंची कोर अपर में। अच्छा, क्रॉम्पटन और ये हमारी मोटर बराबर टक्कर की मोटर है, बिल्कुल। अच्छा, सेम है, आप साथ में रखेंगे बराबर हवा मिलेगी दोनों। ये होलसेल में जो आप रेट बता रहे हो, मतलब तकरीबन कितने पीस लेने पड़ेंगे? होलसेल में मिनिमम 6 पीस, मिनिमम 6 पीस लेने पड़ेंगे। अच्छा, रिटेल का प्राइस अलग है? रिटेल में थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है, और मार्क जब भी आप माल लें उस टाइम आपको रेट कंफर्म करना पड़ेगा, कि मार्केट फ्लक्चुएट होती है, थोड़ा रेट ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है जी, ठीक है। इसमें GC मॉडल आया था जी, GC मॉडल आपको कंप्लीट सेट मिलेगा 1750 रुपये, 18 इंची जी, 55 mm स्टैंपिंग में होगा जी, 55 mm मार्केट में होता है, 55 mm बताते निकलता 50 mm है, हमारी 55 mm भी निकलेगी। अच्छा, फिर इसके अंदर अपनी 15 इंची आती है, 15 इंची आपको पड़ेगी 1650 रुपये, 45 mm स्टैंपिंग में जी, ये कॉपर में ही मिलेगी हमारे पास, मार्केट में चलता है चाइनीज कॉपर होगा, ये कॉपर में ही मिलेगी हमारे, जेन्युइन कॉपर होगा, और कॉपर की गारंटी है, कॉपर ना निकले तो हम डबल पैसे देंगे इसको, ठीक है। वायर की वरायटी कहाँ से शुरू आपको? वायर की वरायटी हमारे पास 17 रुपये स्टार्टिंग है, 17 रुपये, 17 रुपये, 17 रुपये की हमारी 2 गज की लीड मिल जाएगी आपको, 2 गज की जी, 17 रुपये में 2 गज की लीड मिलेगी। ये आप नॉर्मल कूलर में चल जाते हैं अपने 15 इंची 16 इंची कूलर तक में, फिर उसी के अंदर अगर आप थोड़ी लंबी लेंथ में लेंगे तो मिल जाएगी आपको 19 रुपये, 2 रुपये का डिफरेंस आएगा 2.5 गज में, 2.5 गज में जी। फिर और ऊपर हैवी आए थे, फिर हैवी में आपकी पड़ेगी ये 24 रुपये, 24 रुपये लीड पड़ेगी आपको, ठीक है। 2.5 गज है ये भी, इसके अंदर फिर अपना 23-42 गज की लीड आती है चौड़े टॉप में, ये आपको पड़ेगी 26 रुपये, 26 रुपये जी, चौड़े टॉप में यूनिक की लीड मिलेगी। फिर एक और आती है जिसमें और हैवी, इसकी 6 mm ओडी में, ये आपको पड़ेगी 26 रुपये 50 पैसे, 26 रुपये 50 पैसे। और एक और आती है इसमें 3 गज की लीड, 3 गज में आपको पड़ेगी ये 29 रुपये, 3 गज लेंथ होगी इसकी और 23-42 गेज होगा इसका। भैया होलसेल में तकरीबन कितने पीस लेने पड़ेंगे? पैकेट आता है इसका 10 पीस का, 10 पीस का पैकेट, 10 पीस का पैकेट आता है। और इसके अंदर कॉपर देखिए, कॉपर कितना है इसमें, ये देखिए कॉपर, देखिए कॉपर, देखिए कॉपर, प्योर कॉपर में मिलेगी ये देखिए। फिर इसमें एक और लीड आती है अपनी कमर्शियल में चलती है, ऑर्डर पर बनती है वाली जी, ये 7 mm ओडी में जी, 7 mm ओडी में, ये आपको कमर्शियल के लिए मिलेगी, यूनिक के लिए ये आपको पड़ेगी 28 रुपये 2.5 गज में, 28 रुपये 2.5 गज में जी। इसलिए आप चला सकते हैं, ये देखिए सबसे ज़्यादा कॉपर मिलेगा इसके अंदर, ये देखिए इसलिए आप कमर्शियल कूलर में चला सकते हैं, कमर्शियल कूलर में भी चला सकते हैं, ठीक है। तो 10-10 पीस की पैकिंग होती है, सिंगल पीस नहीं मिलेगा, ओनली होलसेल, सिंगल पीस में थोड़ा सा रेट का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, सिंगल पीस में मिल जाएगा, रेट का डिफरेंस हो जाएगा जी। उसके बाद भैया क्या दिखाने वाले हैं आप? इसके अंदर अपने प्लास्टिक कूलर के व्हील, लोहे कूलर के व्हील, ट्रॉली व्हील आएंगे, प्लास्टिक कूलर के व्हील 40 रुपये का, ब्लैक में 40 रुपये। इसके अंदर 3 साइज आते हैं, अच्छा, 19 mm जी, 25 mm, 32 mm, 32 mm जी। तो ये पूरा सेट वाइज सेट मिलेगा जी, 4 पीस का सेट मिलेगा आपको 40 रुपये, 40 रुपये का, ठीक है। इसमें एक और आता है ब्लैक में, ये भी आपको 40 में मिलेगा, ये पत्ती वाला व्हील, ये फाइबर के अंदर लगता है जी। फिर इसमें एक अपर क्वालिटी आती है एक ये जी, ये आपको पड़ेगी 45 रुपये सेट, 45 रुपये सेट, 4 पीस का सेट होता है जी, ठीक है। फिर इसमें और अपर क्वालिटी आती है, ये आपको पड़ेगा 48 रुपये सेट, ठीक है, 48 रुपये सेट, ये फ्रेश में बिल्कुल, बिल्कुल फ्रेश जी, ठीक है। एक क्वालिटी और है इसमें, ये आपको पड़ेगा 50 रुपये सेट, ये 2-in-1
तीन महीने 50 का, ये हैवी व्हील है सर जी। एक बोल्ट वाला व्हील आगा, ये ट्रॉली के अंदर, फैंसी ट्रॉली के अंदर चलता है ये, आपको पड़ेगा 55 रुपये सेट। 55 रुपये सेट ठीक है। फिर ये अपना लोहे के ट्रॉली के अंदर वेल्डिंग वाला व्हील है, ये आपको पड़ेगा 90 रुपये का सेट। 90 रुपये का सेट, ये 90 रुपये का सेट पड़ेगा ठीक है। इसमें अपने हैवी वाले व्हील आए थे, ये बड़े कमर्शियल कूलर के लिए, जैसे 100-200 लीटर के टैंक वाले कूलर आ गए उनके लिए चलते हैं वाले व्हील, ये आपको पड़ेगा 300 रुपये सेट। 300 रुपये सेट लॉक वाला व्हील ठीक है। ये जॉनसन कंपनी का व्हील है ठीक है। फिर एक और आया था इसमें जी, ये पीवीसी व्हील है, पीवीसी व्हील है हैवी में, ये अपने 200 लीटर के कूलर में आराम से चलते हैं। अच्छा, ये अपना पड़ेगा 600 रुपये का सेट। 600 रुपये ये व्हील भी, वो वाला मेरे ख्याल से जल्दी घिसता नहीं, ये घिसेगा नहीं, पीवीसी व्हील है, स्केच वगैरह के अंदर आता है ना ठीक है। 600 रुपये सेट, 600 रुपये। फैंसी कूलर की नोब आई थी जी, फैंसी कूलर की नोब, इसमें अलग अलग वैरायटी की है, इसमें 4.5 रुपये स्टार्टिंग है, 7 रुपये तक की है इसमें जी। ये 4.5 रुपये वाली वैरायटी मैम जी, ये 4.5 रुपये में ईयर रिंग वाली हो गई, एक ये हो गई, ये वाली 4.5 रुपये की वैरायटी मैम जी। फिर इसमें एक 5 रुपये की वैरायटी आती है, 5 रुपये वाली वैरायटी है जी। फिर से एक अपर क्वालिटी में आती है, अपर क्वालिटी में अपनी ये लीजिए 6 रुपये पीस पड़ेगी आपको ठीक है। फिर फुल क्रोम में आती है अपनी, ये 6.50 रुपये जी, ये 6.50 रुपये। ये भी, ये डायमंड नोब है, डायमंड मार्केट में किसी के पास नहीं वाली, ये डायमंड नोब हमारे पास ही मिलेगी जी। फिर इसमें एक ट्विन वन नोब आती है जी, ये आप, ये भी आपको 6.50 रुपये पड़ेगी। इसमें 3 कलर की वैरायटी मिलेगी, ब्लैक, वाइट और ब्लू जी। फिर अपनी टी सी नोब आती है जी, टी सी नोब आपको पड़ेगी 1.75 रुपये। ये रेगुलर है ना जी, इसकी नोब ये आपको 1.75 रुपये पड़ेगी, 1.75 रुपये, 1.75 रुपये ठीक है। फिर इसमें एक ही नोब है, ये आपको पड़ेगी 50 पैसे, 50 पैसे, ये 50 पैसे की नोब पड़ेगी आपको ठीक है। फ्री में भी दे रहा यार। फिर अपने रेगुलेटर आए थे जी, ये रेगुलेटर की वैरायटी देखिए सॉरी, ये प्लास्टिक कूलर का रेगुलेटर जिसे मकड़ा कहा जाता है जी। इसमें मेटल पॉइंट में आपको पड़ेगा 4.20 रुपये जी, और ब्रास पॉइंट में आपको पड़ेगा कॉपर वाला, ये 6.50 रुपये, 6.50 रुपये, 6.50 रुपये होलसेल के अंदर जी। होलसेल के अंदर 50 पीस का पैकेट आएगा, 50 पीस का पैकेट है जी ठीक है। फिर अपना तार वाला रेगुलेटर आया था, ये अपना पंप से लेकर 110 की मोटर तक चलता है जी, ये आपको पड़ेगा 10.50 रुपये, 10.50 रुपये, 10.50 रुपये 100 पीस का पैकेट आएगा इसका जी। फिर इसमें एक और हैवी आया था, टी सी रेगुलेटर जी, ये आपको पड़ेगा 13 रुपये पीस, 13 रुपये पीस। टी सी के अंदर एक और हैवी क्वालिटी अपनी, ये आपको पड़ेगा 17 रुपये पीस, ये अपना एग्जॉस्ट पे भी काम करेगा, अपना 30 इंची के एग्जॉस्ट तक काम करता है जी। एक और क्वालिटी आती है इसमें, टी सी गोल्ड, टी सी गोल्ड, ये एस जी आई और मैक का दोनों का सेम क्वालिटी का है जी। हैवी रेगुलेटर है, आप इसको कॉपर सर्किट के अंदर है, 30 इंची के मोटर पर भी चला सकते हैं इसको जी। फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आया था, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, ये आपको पड़ेगा 45 रुपये, 45 का ठीक है। इसकी 6 महीने की गारंटी रहेगी आपकी, 6 महीने तक कुछ भी होता है आप लेकर आ जाइए हमारा। फिर एक और ये आता है अपना जिंदल के नाम से, ये आपको पड़ेगा 46 रुपये, 46 का जी ठीक। फिर एक क्वालिटी और आती है अपनी हैवी वाली, ये आपको पड़ेगा 58 का, 58 का, 58 रुपये का, ये हैवी में होलसेल के अंदर जी, होलसेल के अंदर। ये कोना और ये दोनों टक्कर के रेगुलेटर हैं, कोना से अच्छा रेगुलेटर है ये समझ लीजिए, इसके अंदर कॉपर कॉइल ट्रांसफार्मर सब चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर, कोने के अंदर भी इतना सामान नहीं लगा होता। अच्छा जी, कोना से भी हैवी रेगुलेटर है, हैवी रेगुलेटर जी ठीक है। फिर एक रेगुलेटर आया था अपना बिना प्लेट और नोब का जी, ये जैसे कूलर मैन्युफैक्चर लेते हैं जिनको प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्लेट उनकी वेस्ट आती है, तो उसके हम 3 रुपये लेस कर देते हैं प्लेट और नोब के, तो ये आपको पड़ता है 42 का, 42 रुपये पीस पड़ेगा ठीक है। फिर अपना सीलिंग फैन का रेगुलेटर आया था जी, सीलिंग फैन का रेगुलेटर हम देते हैं 15 रुपये, 15 रुपये 300 वाट का रेगुलेटर है, मार्केट में नॉर्मल रेट इसका 20-25 रुपये का, हम 15 रुपये में देंगे, 10 पीस का बॉक्स आएगा इसका जी। फिर अपनी ऑटो स्विंग मोटर आती है जी, ऑटो स्विंग मोटर हम आपको देंगे 42 रुपये, 42 में देंगे। भैया क्या वैरायटी दिखाने वाले हैं आप? वाटर स्प्लिटर दिखाएंगे। अच्छा जी, वाटर स्प्लिटर में अपना ये 28 रुपये दर्जन पड़ेगा आपको, 28 रुपये जी, 5 दर्जन का पैकेट आता है 60 पीस का, इनका 60 पीस जी, ये छोटे में 28 रुपये, इससे बड़ा फायदा आता है अपना 38 रुपये से, 38 रुपये दर्जन ठीक है। फिर इसमें एक और आया था ट्विन वन, ये आपको पड़ता है 44 रुपये दर्जन, ठीक है। फिर एक क्वालिटी और है,
ये आपकी पड़ती है 42 रुपये दर्जन। अच्छा, ये पत्ती वाला भी कहते हैं, पत्ती वाला कहते हैं इसको, ये 42 रुपये दर्जन पड़ेगा। ठीक है। फिर अपना एक और आया था, ये फाइबर कूलर के लिए चलता है, स्कूल ये स्क्रूजर का से आया था साइड से और बोल्ट लगा देते हैं, आपको पड़ेगा 50 रुपये दर्जन। 50 रुपये दर्जन, ठीक है। फिर एक और आया था अपना, इसमें बड़ा वाला मिलेगा अपना 55 रुपये दर्जन। 55 रुपये। फिर अपना 1 इंच डिस्ट्रीब्यूटर आया था मोटे पाइप के लिए, मोटे पाइप के लिए आपको पड़ेगा ये 60 रुपये दर्जन। 60 रुपये दर्जन, ठीक है। फिर एक और आता है डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा वाला, इसको कुप्पर डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं जी, कुप्पर डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको ये भी 60 रुपये दर्जन पड़ेगा। 60 रुपये दर्जन। बाकी अगर आप रिटेल में लेते हो, रिटेल में ये नॉर्मल रेट इनका 10 रुपये पीस रहता है। 10 रुपये जी। एक भैया ये सिंगल। फिर ये अपनी टी आ जाती है जी, ये टी अपनी फैंसी कूलर में यूज़ होती है, ये आपको पड़ेगी 2 रुपये पीस। 2 रुपये पीस, ठीक है। इसका 100 पीस का पैकेट आएगा 200 रुपये का। 200 रुपये का, ठीक है। फिर अपना त्रिशूल सेट आया था, ये SB सेट है, एक त्रिशूल सेट है, ये अपना प्लास्टिक कूलर में चलता है, प्लास्टिक और फैंसी वो फाइबर कूलर में, ये आपका पड़ेगा 5.50 रुपये सेट, 5.50 रुपये सेट पड़ेगा। एक ये अपना SB सेट है, ये त्रिशूल सेट है जी, इसके अंदर 3 एल्बो आती हैं जी, जो इसमें पर्दे में लॉक हो जाती हैं, ऐसी एल्बो आती हैं इसके, 3 ऐसी एल्बो आएंगी और आपका एक SB सेट आएगा, ये 3 ये और एक ये, इसका पूरा सेट आएगा आपको 5.50 रुपये का। 5.50 रुपये होलसेल के अंदर जी, होलसेल के अंदर, ठीक है। फिर उलगी एल्बो, ये छोटी एल्बो, ये पड़ेगी आपको 30 रुपये पैकेट। 30 रुपये पैकेट, 30 रुपये पैकेट, ये इसमें थोड़ी बड़ी पैकेट आया था शायद, आ गए तो 40 रुपये पीस पड़ेगा। 40 रुपये 100 पीस होते हैं एक पैकेट के अंदर जी, ठीक है जी। कूलर का बच्चा पंप, ये आपको पड़ेगा 70 रुपये पीस। 70 रुपये 12 वाट में, ठीक है। इसमें 18 वाट के पंप आए थे, ये 2 मॉडल होंगे हमारे पास जी, ये आपको पड़ेगा 73 पीस पड़ेगा। 73 पीस जी, 64 पीस की पैकिंग है इसकी, 64 पीस की, 100 पीस की और 80 पीस की, 3 पैकिंग में मिलेगा आपको, ठीक है। फिर अपना बड़ा पंप आया था, बड़ा पंप आपको पड़ेगा 180 रुपये, 40 वाट का पंप, हैवी के अंदर जी, हैवी के अंदर। फिर एक मॉडल और आया था अपना, हैवी मॉडल बड़ा हैंगिंग मॉडल में आता है अपना जी, ये आपको पड़ेगा 200 रुपये पीस। इसकी जी, इसकी 33 पीस की पैकिंग है, इसकी 45 पीस की पैकिंग है, ठीक है। इसकी क्या मतलब वोल्टेज वगैरह ज़्यादा होती है प्रेशर? ये 40 वाट की मोटर है, इसकी हाइट आपकी 6 फुट की हाइट रहती है, 6 फुट लिफ्टिंग रहेगी इसकी जी, ठीक है। इस वाले की सबसे हाई रहेगी जी, इन दोनों की, इन दोनों दोनों 40 वाट के हैं, बस मॉडल का डिफरेंस है, मॉडल मैग्नेट का, ठीक है। मोटर कवर आया था जी, ये किट मोटर कवर है जी, ये आपको पड़ेगा 3.80 रुपये, ठीक है, 3.80 रुपये। फिर अपने मिनी मोटर का कवर आया था जी, ये भी आपका 3.80 रुपये, मोटर सेफ्टी कवर है, ये मोटर ख़राब होने से बचाएगा आपका, पानी जो जाता है पानी से ख़राब हो जाती है मोटर, उसके लिए लगता है, ये देखिए मोटर कवर है, ये ऐसे लग जाएगा, पानी जाएगा नहीं मोटर के ऊपर, जाएगा नहीं जी। मेन मोटर जो ख़राब होती है पानी से ख़राब होती है, इसमें पानी नहीं जाएगा तो मोटर ख़राब नहीं होगी, ठीक है। ये फिर इसमें अपने बड़ी मोटर का आता है, 110 मोटर का, 110 मोटर का आपको पड़ेगा 5 रुपये पीस। 5 रुपये पीस होलसेल के अंदर जी, 250 पीस की पैकिंग आएगी इसकी, ठीक है। और फिर अपना एग्जॉस्ट का है, एग्जॉस्ट का भी 5 रुपये पीस पड़ेगा, ठीक है, ये भी 250 पीस की पैकिंग में, ठीक है। फिर अपने रबड़ आती है, रबड़ क्लिप आती है जी, अपने एक मेल फीमेल रबड़ आती है, मेल फीमेल रबड़ का सेट मिलेगा आपको 15 रुपये सेट, 15 रुपये सेट। इसमें रबड़ क्लैंप आए थे, रबड़ क्लैंप 15 इंची आपको पड़ेगा 23 रुपये सेट जी, 23 रुपये सेट। और 18 इंच में पड़ेगा आपको 25 रुपये सेट जी। और फिर अपने GC बोल्ट आए थे, GC की थैली आती है, इसमें GC बोल्ट होंगे, आपके मेल फीमेल सेट होगा, इसका कंप्लीट सेट पड़ेगा आपको 28 रुपये सेट, 28 रुपये, ठीक है, 28 रुपये पूरा कंप्लीट सेट मिलेगा, पूरा एक पंखे का, ठीक है। और इसमें रबड़ आती है, रबड़ बुश अपनी हैवी वाली रबड़ है, हैवी वाली रबड़ आपको पड़ेगी 60 रुपये पैकेट, 60 रुपये में 100 रबड़। इसमें एक क्वालिटी और आती है हल्की वाली, वो आपको पड़ेगी 40 रुपये की 100। अपने फैंसी कूलर की आइटम आ जाती है, फैंसी कूलर में अपनी इनलेट आउटलेट, वाटर इनलेट आउटलेट जी, ये आपको पड़ेगी 18 रुपये पीस जी। फिर एक वाटर लेवल आया था जी, ये वाटर लेवल आपको पड़ेगा 35 रुपये पीस जी। और अपनी क्रोम प्लेट आती है, फैंसी क्रोम प्लेट, ये आपको पड़ेगी 22 रुपये पीस। इसके अंदर आप नोब लगा के और अच्छे फैंसी कर देते हैं, इसमें अलग अलग तरह की नोब लगा के इसके कॉम्बिनेशन बना के और अच्छा लगेगा, कूलर के अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है साथ में। क्या दिखाने वाले हैं आप हमें? फिर अपनी NC पट्टी आती है, लीकेज के लिए लगती है कूलर ना जी, जॉइंट के ऊपर, ये अपनी आधे किलो की पैकिंग में, आधे किलो की पैकिंग में आपको पड़ेगी 100 रुपये, 100 रुपये की आधे किलो, ठीक है। इसमें अपना बड़ा पैक आया था 1 किलो का जी, 1 किलो का आपको पड़ेगा 190 रुपये, 190 का जी, ये अपनी लीकेज बचाएगा आपको, जहाँ वेल्डिंग होती है जॉइंट पे तो अपनी लीकेज बचाएगा जी, लीकेज के लिए जी। फिर अपने पेंट आया, स्प्रे पेंट आया टचिंग के लिए कूलर पे, इसके अंदर आपको सारे कलर मिल जाएंगे, आपको पड़ेगा 80 रुपये नॉर्मल कलर में मिलेंगे, और ब्राइट क्रोम के अंदर आपको मिलेगा 90 रुपये, 90 रुपये 400 ml की
बॉटल होती है जी जी। अच्छा, इसके अंदर कोई ऐसा भी पेंट आता है वाटर प्रूफ वगैरह? वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, अपने हैमर कलर ही होते सारे जी। ठीक है, अपनी अपनी नोब आपको दिखाई थी मैंने, सिम्फनी नोब है जी, आपको काउंटर पर दिखाई थी मैंने सारी नोब जी जी। इसमें अपनी फैंसी कूलर की क्रोम प्लेट आ गई हैं जी, सब आपको दिखा दी मैंने जी। फिर अपनी टेप आती है जी, इलेक्ट्रिकल टेप जी। ये टेप अपनी मिलेगी आपको 150 रुपये का डंडा मिलेगा, 150 रुपये के 10 पीस, 150 के 10 पीस जी। एक टेप 20 मीटर की है, गारंटेड 20 मीटर निकलेगी एक टेप के अंदर, एक टेप की। ठीक है, नॉर्मल वाली आप जो लेते हैं अपने मार्केट से बॉक्स लेते हैं, 200 रुपये का बॉक्स लेते हैं 30 पीस का, 6 मीटर निकलती है एक के अंदर जी। इसके अंदर आपके 20 मीटर निकलेगी जी, उससे ज़्यादा एवरेज निकलेगी इसके अंदर। ठीक है, फिर अपने स्विचेज आए थे जी, स्विच आए थे अपने, हैवी स्विच आ गए जी। ये आपका पड़ेगा 4.50 रुपये पीस, 4.50, 4.50 रुपये पीस, 20 पीस की पैकिंग आएगी ये। ठीक है, फिर इसमें एक लो क्वालिटी आती है, आपको लो क्वालिटी में दिखाता हूँ एक थोड़ी। ये अपने 100 पीस का पैकेट आएगा 400 रुपये का, 4 रुपये पीस पड़ेगा। ठीक है, 400 रुपये का पैकेट है अपना 100 पीस का, 100 पीस का। ठीक है, अपने वायर के बंडल आए हैं, कनेक्शन वायर, कनेक्शन वायर के बंडल है, यूनिक कनेक्शन वायर में। अच्छा जी, अपने 4076 आपको पड़ेगा 230 रुपये का, 230 रुपये का, 50 कूलर, ये 50 कूलर की एवरेज का बंडल होता है। अच्छा, 50 कूलर निकलते हैं एक बंडल के अंदर। ठीक है, 50 कूलर जी। इसमें एक और हैवी क्वालिटी आती है 5076, ये देखिए 5076 ये आपको पड़ेगा 270 रुपये का बंडल, 270 रुपये का बंडल है। 270 रुपये का, 50 कूलर की एवरेज आएगी सबके। ठीक है, आपको नोब दिखाई थी मैंने, नोब की वैरायटी ये रही अपनी, ये देखिए नोब की वैरायटी ये आपको दिखाई थी, पलग भी पड़ी सारी, ये देखिए ये अपनी पावर पॉट्स की आपको दिखाई थी मैंने जी। अपने नट कैप आया था जी, ये देखिए नट कैप, ये हैवी वाला नट कैप आपको पड़ेगा 130 रुपये पैकेट, 130 का पैकेट, 130 रुपये पैकेट। ठीक है, और एक और क्वालिटी इसमें हल्की क्वालिटी आपकी पड़ेगी 100 रुपये पैकेट, 100 रुपये का पैकेट जी जनाब जी, 100 रुपये पैकेट। फिर इसमें अपनी गुरमुट आती हैं जी, पावर कॉर्ड पे जो रखती है गुरमुट जी, ये अपनी 70 रुपये की सोए हैं जी, छोटे साइज़ में जी 70 रुपये की सोए। फिर इसमें बड़ा साइज आता है, ये 80 रुपये की सोए हैं, 80 रुपये की सोए, ये 80 रुपये की सोए हैं। ठीक है, ये और फिर इसमें एक और क्वालिटी आती है हैवी क्वालिटी, ये 100 रुपये की सोए हैं, 100 रुपये की सोए, 100 रुपये की सोए। अपनी ये पावर कॉर्ड बचा देता है कटिंग कटने से, क्योंकि लोहे की बॉडी होती है इसमें धार होती है, धार होती है, और इसे कट के करंट आना शुरू होता है जी जी, इससे कटेगी नहीं अपनी वायर। या आपको मैंने एल्बो डिस्ट्रीब्यूटर सब कवर करवा दिया, आगे एल्बो डिस्ट्रीब्यूटर थ्री शू सेट नोक सारी आपको मैं सब चीज़ें कवर करवा। ये पत्तियाँ वगैरह जरा पता, ये पत्ते अपने, ये एग्जॉस्ट फैन की लगे हैं जी, एग्जॉस्ट फैन की, ये फ्रेम के अंदर लगेगी वाली जी, ये फ्रेम के अंदर लगेगी, आपको पड़ेगी 65 रुपये सेट पाउडर कोटिंग में। ठीक है, ये फिर अपनी एक डायरेक्ट लेग आती है, ये 70 रुपये सेट पड़ेगी, 70 रुपये सेट, ये विदाउट फ्रेम लगेगी, ये जैसे फ्रेम के साथ लगेगी, ये बिना फ्रेम के लगेगी। 70 रुपये का मतलब कितनी सी? ये 4 पीस का सेट, 4 पीस का सेट, 70 रुपये का जी। ठीक है, फिर इसमें एक और साइज आता है बड़ा साइज जी, ये बड़ा साइज है जी, ये पड़ेगा 90 रुपये सेट, 90 रुपये का, ये 19 इंची है। ठीक है, ये अपना क्रोम रिंग लगता है, क्रोम रिंग के लिए बड़ी लेग चाहिए होती है, ये 1 किलो का सेट है जी। इसका वेट 1 किलो एक सेट का। ठीक है, आपको पड़ेगा 90 रुपये, 90 रुपये सेट जी। ठीक है, फिर अपने किट की लैग आती है जी, 15 इंची किट की लैग आपको पड़ेगी 50 रुपये सेट, 50 रुपये, 50 रुपये सेट। ठीक है, 18 इंची किट की लैग आपको पड़ेगी 55 रुपये सेट। ठीक है, 55 रुपये। और फिर अपनी GC की लैग आती है, GC, ये 15 इंची GC की लैग आपको पड़ेगी 80 रुपये सेट, 80 रुपये की सेट, 80 रुपये का सेट। ठीक है, और 18 इंची GC की आपको पड़ेगी 90 रुपये सेट, 90 रुपये का सेट। ठीक है, फिर अपने 12 इंची कूलर की आती है, 12 इंची कूलर, ये लोहे के कूलर की है, लोहे के कूलर के छोटा साइज होता है, तो ये आपको पड़ेगी 20 रुपये सेट, 20 रुपये सेट, हैवी में 200 ग्राम का सेट होगा अपना। ठीक है, फिर अपने प्लास्टिक कूलर की आती है, प्लास्टिक फाइबर कूलर, 12 इंची प्लास्टिक फाइबर कूलर में बड़ी लैग लगती है, ये बड़ा साइज है, ये आपको पड़ेगा 24 रुपये सेट, 24 रुपये सेट, 24 रुपये सेट, बड़ा साइज है, 24 रुपये के 4 पीस, 24 रुपये 4 पीस, ये 20 रुपये के 4, 20 रुपये के 4 पीस। ठीक है, ये बाकी आपको मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटर देखे थे आपने अभी, डिस्ट्रीब्यूटर व्हील्स सब मैं आपको कवर करवाए थे जी। ठीक है, ये अपने किट बोल्ट आए थे जी, किट बोल्ट ये 110 रुपये किलो, ठीक है, 110 रुपये किलो, 1 किलो का पैकेट मिलता है अपने पास। ठीक है, और ये फिर अपने वार्शल आए थे जी, वार्शल ये भी 110 रुपये का पैकेट है, ये भी 1 किलो का पैकेट है, 1 किलो का पैकेट है, 110 रुपये का। ठीक है, और अपने फिर स्क्रू आते हैं जी, स्क्रू का अपना 110 रुपये का पैकेट है जी, 1000 स्क्रू का पैकेट है जी जी। अपने कूलर की नेम प्लेट आई थी जी, 15 इंच कूलर की नेम प्लेट पड़ेगी 10.50 रुपये, 10 रुपये डायमंड कट में मिलेगी। ठीक है, और 18 इंच की 11.50 रुपये, ठीक है, 12 इंच की आपको पड़ेगी 10 रुपये पीस। ठीक है, और फिर अपना एक और बड़ा साइज आएगा 24 इंची का। अच्छा, 24 इंची में अपने बड़ा साइज आ गया, ये पड़ेगी आपको 45 रुपये, 45, ये हैवी में होगी। ठीक है,
पाइप फ्लेक्सिबल पाइप भी रख दी है किट को टांगने के लिए। ये सस्ते में पड़ेगा आपको 7 रुपये पीस। 7 रुपये 7 रुपये पीस पड़ेगा अपने। ये हैंगर होता है जी, ये अपने मोटर के पीछे लगा के इसको आराम से टांग सकते हैं सस्ते में जुगाड़ करने के लिए। 7 रुपये पीस पड़ेगा। 7 रुपये। फिर अपने पाइप आ गए फ्लेक्सिबल पाइप, ये आपको पड़ेगा 80 रुपये बंडल। 25 मीटर का बंडल होता है 80 रुपये का जी। फिर व्हाइट वाला अपने पड़ेगा 90 रुपये बंडल। ये देखिए 90 रुपये का पूरा बंडल है जी। पूरा बंडल 25 मीटर का बंडल होगा। ये 1 इंची अच्छा जी 20 mm का पाइप होगा। अच्छा जी। फिर अपना PVC पाइप आया था जी कूलर के लिए, ये अपने पड़ेगा 105 रुपये किलो। 105 रुपये किलो। 105 रुपये किलो बंडल में। अच्छा अच्छा। बंडल लेते हैं तो फिर इसमें किलो के हिसाब से देते हैं, इसमें एवरेज आ जाती है अपनी। अच्छा। और बाकी लूज लेते हैं तो फिर अपना 15 से 20 रुपये मीटर लूज में देते हैं जी। ठीक है। तो पंखड़ी की वैरायटी जनाब आपके पास कहाँ से शुरू है? 9 इंची की ब्लेड से स्टार्टिंग है। अच्छा। 9 इंची का प्लास्टिक का अपना ब्लेड, ये आपको पड़ेगा 16 रुपये पीस। 16 रुपये पीस। 16 रुपये पीस। ठीक है। इसमें फिर अपने 12 इंची का आया था जी, 12 इंची उल्टे चक्कर का ब्लेड। उल्टे चक्कर वाला हैवी हैवी के अंदर जी। ये MD का ब्लेड क्या रहता है, ये भी ये आपको पड़ेगा 16 रुपये पीस। 16 रुपये जी। ठीक है। तो एक क्वालिटी और आती है इसमें 12 इंची के अंदर, 12 इंची में आपको पड़ेगा 18 रुपये। 18 रुपये। 18 रुपये। एक क्वालिटी ये रही अपनी 20 रुपये जी, और एक ये अपनी 21 रुपये बुलेट में। बुलेट के अंदर ये हाई स्पीड में ब्लेड है वाला। ठीक है। फिर एक और ब्लेड है इसके अंदर फ्रेश ब्लेड, कौवा ब्लेड इसे कहते हैं जी। इसको आप फ्लेक्सीबल टूटेगा भी नहीं आपका जी जी। ये आपको पड़ेगा 25 रुपये ब्लेड। 25 रुपये। ठीक है। फिर अपने बुलेट ब्लेड आते हैं जी, ये अपने बुश के साथ है, ये आप नॉर्मल बच्चे मोटर पे भी लगा सकते हैं। ये आपको पड़ेगा 23 रुपये ब्लेड। ठीक है। ये और ये अपना चेक नट वाला था बुलेट मोटर के लिए, ये ऊपर से चेक नट लगता है, चेक नट के साथ हम आपको देंगे 21 रुपये का ब्लेड। 21 रुपये जी। ठीक है। अगर चेक नट नहीं लेंगे तो आपको 2 रुपये लेस जी जी। ठीक है। फिर अपना 12 इंची का लोहे का ब्लेड आ गया अपना उल्टे चक्कर का जी, ये आपको पड़ेगा 50 रुपये का ब्लेड। 50 रुपये जी। एल्यूमिनियम हब होगी, मेटल लीवर होगा जी। ठीक है। फिर अपने बड़े ब्लेड आ गए 16 इंची भी जी, ये आपको पड़ेगा 29 रुपये पीस। 50 पीस की पैकिंग। 50 पीस की पैकिंग जी। ठीक है। इसमें ये 18 इंची का ये पड़ेगा आपको 31 रुपये। 31 रुपये। 31 रुपये। ठीक है। इसमें एक हैवी क्वालिटी और है जी, हैवी क्वालिटी और ये आपको पड़ा 45 रुपये पीस। 45 रुपये जी। फ्लैट, इसका मॉडल का नाम है फ्लैट। ठीक है जी। इसके अंदर ये अपनी लो, फिर अपनी थोड़ी लो क्वालिटी आती है जी, ये 15 इंच आपको पड़ेगा 22 रुपये पीस। 22 रुपये। 22 रुपये पीस। ठीक है। 18 इंच में पड़ेगा आपको 23 रुपये पीस। 23 रुपये। 23 रुपये। ठीक है। फिर एक क्वालिटी और है अपनी, ये अपनी फ्लेक्सीबल है, फ्रेश की क्वालिटी है जी जी। आप बिल्कुल फ्लेक्सीबल है, इसको कैसे किसी एंगल से मोड़ लो उठेगा नहीं, ये आपको पड़ेगा 40 रुपये पीस। 40 रुपये। 40 रुपये पीस। 18 इंच में मिलेगा आपको वाली। ठीक है। फिर अपने 110 के ब्लेड आए थे जी, ये टर्बो ब्लेड, टर्बो मोटर का जी जी, ये आपको पड़ेगा 50 रुपये पीस। 50 रुपये। 50 रुपये पीस। ठीक है। 16 इंची में और 48 रुपये पीस 14 इंची में। 14 इंची में। 14 इंची में। इसमें और क्वालिटी और है 16 इंची में, ये आपको पड़ेगा 40 रुपये पीस। तूफान, ये अपना GC का ब्लेड आता है प्लास्टिक, ये लोहे की मोटर आती है कैप्सूल वाली जी, उसके सेम कॉपी है, बट ये नॉर्मल आप किट पे चला सकते हैं जी जी। एक किट वाली, एक किट का ब्लेड है जी, ये पहले लोहे का ब्लेड आया करता था, उसकी कॉपी प्लास्टिक में, ये भी आपको पड़ेगा 35 रुपये पीस। ठीक है। ये 35 रुपये पीस पड़ेगा। फिर अपना एक आता साइलेंसर ब्लेड जी, ये आपको पड़ेगा 50 रुपये पीस। ये हाई स्पीड ब्लेड है, ये 18 इंची का। ठीक है। 50 रुपये पीस पड़ेगा। अपने नॉर्मल ब्लेड आते हैं, ये कुप्पा मोटर का ब्लेड है जी जी, ये कुप्पा मोटर का ब्लेड, ये आपको पड़ा 45 रुपये पीस। ठीक है। 45 रुपये। और फिर अपने एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड आए थे, एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड एक ये 50 रुपये पीस पड़ेगा। 50 रुपये पीस। 50 रुपये पीस। यानी टोटल जितने भी फैन होते हैं मतलब सबके जी, सब चीज़ें मिलेंगे इसमें। ये इसमें एक हैवी क्वालिटी और है। अच्छा। ये आपको पड़ेगा 55 रुपये पीस। 55 रुपये पीस। ये देखिए हैवी क्वालिटी का अंदर है। ठीक है। एक क्लाइमेटाइजर आ रहा है, क्लाइमेटाइजर ब्लेड, ये आपको पड़ेगा 85 रुपये पीस। 85 रुपये पीस। 85। तो तकरीबन मतलब कितने पीस लेने पड़ेंगे होलसेल में? बॉक्स के इसमें रेट है सारे, सब चीज़ों के अलग अलग बॉक्स हैं। अच्छा। ये इसका 25 पीस का बॉक्स है। अच्छा। इसका 25 पीस का बॉक्स है। अच्छा। इसका 20 पीस का बॉक्स है। ठीक है। इसका 20 पीस का, इनका 15 पीस पीस का, मतलब पीस के हिसाब से, ये बॉक्स के रेट है सबके, बॉक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। लास्ट में जो ये पंखुड़ी फिर मैं दिखाता हूँ, ये GC ब्लेड है। GC ब्लेड है जी। आपको मैं दिखाता हूँ आपको जी जी, ये प्लास्टिक में जी जी, ये इसका मेटल में ही रहा। ये मेटल में आपको पड़ेगा 130 रुपये का। 130 रुपये। 130 रुपये का 15 इंच में, और 18 इंच में 135 रुपये। 135 रुपये। देखिए कितना भारी, देखिए बुश लगा हुआ इसके अंदर, ये हाई स्पीड के फैन है। हाई स्पीड फैन है। देखिए फिर अपने और ब्लेड आते हैं। अच्छा। मैम अपने ब्लेड आता है, ये आपको पड़ेगा 125 रुपये का। 125 रुपये। पाउडर कोटिंग में मिलेगा। अच्छा।
18 इंच का और 15 इंच का पड़ेगा 115 रुपये। 115 रुपये ठीक है। और एक इसमें 12 इंच का ब्लेड आता है, ये पड़ेगा आपको 110 रुपये। 110 रुपये ठीक है। आपको एक कुप्पे का ब्लेड दिखाता है, उसमें एक हैवी क्वालिटी है प्लास्टिक में, ये आपको पड़े 50 रुपये। 50 रुपये ठीक है। फिर ये अपने फर्राटा ब्लेड आया था, फर्राटा ब्लेड अपना आपको पड़ेगा 15 रुपये पीस। 15 रुपये पीस 15 रुपये पीस 50 पीस का पैक है इसका। 50 पीस का पैकेट है। फिर अपने फ्रेम आगे, अगर आप सिंपल ऐसे फ्रेम लेते हैं तो सिंपल फ्रेम आपको पड़ेगा 60 रुपये का। 60 रुपये ठीक है। ये भी 60 रुपये पड़ेगा आपको। और 18 इंच के अंदर आपको पड़ेगा 70 रुपये। 18 इंच के अंदर देखिए सर, फाड़ो कोट में मिलेंगे सारे। अच्छा अच्छा, इस पर पेंट नहीं होगा, सारे फाड़ो कोट में। ठीक है। हैवी क्वालिटी आती है जी, इतना पड़ेगा 100 रुपये पीस। ये 100 रुपये पीस 100 रुपये 15 इंची में। और ये पंखे की वैरायटी कहाँ से शुरू है आपके पास? पंखे की वैरायटी अपने पास ये टेबल फैन से स्टार्टिंग है। टेबल फैन अपना पड़ेगा, ये सिंगल स्पीड में टेबल फैन अपना 450 रुपये का। 450 रुपये जी ठीक है। इसमें एक और है थ्री स्पीड में जी, थ्री स्पीड में अपने फैंसी में, ये आपको पड़ेगा 500 रुपये पीस। 500 रुपये। फिर अपने फराटे फैन आए थे जी, ये आपको पड़ेगा 700 रुपये पीस। 700 रुपये ठीक है। ये छोटा हो गया इतना हो जाएगा, और बड़ा करेंगे तो इतना हो पाएगा ठीक है जी। फिर इसमें एक क्वालिटी आती है बड़े हाई स्पीड में बुलेट पैन, ये देखिए ये भी थ्री स्पीड में जी, थ्री स्पीड में इसमें दो कलर की वैरायटी मिल जाएगी, ये आपको पड़ेगा 800 रुपये पीस। 800 रुपये पीस ठीक है। फिर अपने फ्रेश एयर फैन आए थे ठीक है, फ्रेश एयर फैन एक वो अपने नॉर्मल वाला एमडी वाला 350 रुपये पड़े। 350 रुपये। और डिजाइन कौन से दिखाने वाले? ये अपने फ्रेश एयर फैन आए थे। अच्छा, फ्रेश एयर फैन ये आपको पड़ेगा 350 रुपये 9 इंची में। 9 इंची में 350। 350 ठीक है। इसमें एक हैवी क्वालिटी में आता है, हैवी मोटर में, ये आपको पड़ेगा 400 रुपये। 400 रुपये देखिए 400 रुपये पड़ेगा ठीक है, ये वाला 400 का पड़ने वाला। फिर इसमें 12 इंची का साइज आता है, 12 इंची में आपको पड़ेगा 400 रुपये। 400 रुपये जी, 400 रुपये पड़ेगा ठीक है। और इसमें एक और हैवी क्वालिटी है, ये अपना पड़ा 450 रुपये। 450 का मोटर, 450 रुपये जी। मोटर की बात करूँ जी, मोटर हैवी वाली मोटर है जो मैंने आपको दिखाई थी, कूलर के अंदर लगाते हैं ये मोटर लगा रखी हमने, हैवी मोटर है ठीक जी। मार्केट में इतनी हैवी मोटर कोई नहीं लगाता, सब हल्की मोटर लगाते हैं ठीक है। 450 का पड़ने वाला देखिए। फिर अपने हनीकॉम की वैरायटी आती है जी, हनीकॉम पैड के अपने 1.5 इंची में जी, 1.5 इंची में आपको देंगे 28 रुपये स्क्वायर फीट। 28 रुपये स्क्वायर फीट ठीक है। इम्पोर्टेड पेपर में ठीक है। इसमें आपको कलर की वैरायटी मिल जाएगी जी, ये रहा कलर। इसमें डबल कलर में, अगर आप डबल कलर में मांगेंगे डबल कलर में मिल जाएगी आपको, डबल कलर के अंदर ठीक है। और 2 इंची के अंदर आपको पड़ेगी 38 रुपये स्क्वायर फीट ठीक है। 2 इंची। अच्छा, पूरा जैसे अगर पूरा पीस हम लेना चाहें कितने का पड़ेगा? 1.5 इंची के अंदर आपको पड़ेगी 336 रुपये शीट। 336 रुपये शीट 28 रुपये स्क्वायर फीट। और 2 इंची के अंदर 456 रुपये शीट। 2x6 का साइज होगा, 2 फुट बाई 6 फुट ठीक है। ग्रिल आती है जी, जितनी लोहे की ग्रिल है जी, ये हैवी वाली ग्रिल है, ये 15 इंची की अपनी हैवी ग्रिल है, आपको पड़ेगी 230 रुपये। 2 किलो की ग्रिल है जी, 2 किलो वेट है ग्रिल का जी, हैवी में होगी और सारा फ्रेश में लीवर होंगे जी, बिल्कुल फ्रेश में बनी, बिल्कुल फ्रेश में ठीक है। अपनी 18 इंची के अंदर ये भी हैवी में मिलेगी, अपनी 2.5 किलो वेट की होगी, ये अपनी पड़ेगी 280 रुपये की। 280 रुपये बिल्कुल फ्रेश शीट में बनी हुई है जी, कोई सेकंड के दिन शीट यूज़ नहीं होगी इसमें ठीक है। फिर अपनी प्लास्टिक ग्रिल की वैरायटी आती है, प्लास्टिक ग्रिल ये 12 इंची की जी, ये आपको पड़ेगी 130 रुपये। 130 रुपये 12x12 फाइबर कूलर में चलेगी ठीक है। फिर अपनी आ गई है 18x18 जी, 18x18 पड़ेगी आपको 170 रुपये ठीक है। 19x19 ठीक है, ये भी आपको 170 रुपये पड़ेगी ठीक है। ये 20x20 जी, ये और 17x17 का साइज़ भी है ठीक है। फिर अपनी 15 इंची की नॉर्मल वाली ग्रिल आ गई है चलती है, ये आपको पड़ेगी 180 रुपये। 180 रुपये ठीक है। सबकी 5x5 पीस की पैकिंग है ठीक है। फिर इसमें 18 इंची की और है, 18 इंची के अंदर आपको दिखाते हैं, ये भी आपको 180 रुपये पीस पड़ेगी ठीक है। 180 रुपये पीस पड़ेगी ठीक है। 18 इंची में फिर अपनी क्लासिक ग्रिल आती है, क्लासिक ग्रिल आपको पड़ेगी 350 रुपये। 350 रुपये और अगर आपके स्टड लेना चाहेंगे तो इसके स्टड अलग से हैं, 20 रुपये के स्टड है, 4 इंची के स्टड आएगा। तो ये कुछ बढ़िया क्वालिटी के अंदर हैवी क्वालिटी में, हैवी क्वालिटी में ये फैंसी लगती है जी। और ये अपने 18 इंच में आपको 380 रुपये पीस पड़ेगी। 380 रुपये। अच्छा, फैंसी कूलर की जी, फैंसी कूलर की ग्रिल ठीक है, ये आपको पड़ेगी 420 रुपये। 420 रुपये 420 रुपये पाउडर कोटिंग लीवर के अंदर। अच्छा ठीक है। फिर इतने प्लेन लीवर के अंदर आती है जी, प्लेन लीवर में अपने विदाउट पाउडर कोटिंग में आपको पड़ेगी 400 रुपये की। 400 रुपये जी, पाउडर कोटिंग के बिना आपके 20 रुपये कम हो जाते हैं इसमें ठीक है। फिर अपने क्रोम रिंग आए थे। अच्छा, क्रोम रिंग 220 रुपये का, 17 इंची में। 17 इंची में 220 रुपये का पड़ेगा। और ये 19 इंची में ये भी 220 का पड़ेगा। 220 जी। ये अपना 110 मोटर के ऊपर इस्तेमाल होता है और ये अपना एग्जॉस्ट मोटर के ऊपर जी। अपना एक आता है स्क्वेयर में क्रोम रिंग जी, स्क्वेयर वाले क्रोम रिंग आपको पड़ेगा
230 रुपये का। 230 रुपये इनके दिखाने वाले फिर अपने टेबल फैन आ गए, टेबल फैन अपने लोकल में अपने 500 रुपये का, ये थ्री स्पीड में, थ्री स्पीड में। फिर अपना प्लास्टिक बॉडी में, फिर एक और आया था अपना बढ़िया क्वालिटी में आया था, ये आपका पड़ेगा 600 रुपये का। 600 रुपये मेटल बॉडी में, मेटल स्टैंड में, मेटल बॉडी में, ठीक है। ये थ्री स्पीड में होगा, ठीक है। वारंटी की बात करूँ तो वारंटी एक सीजन की रहेगी, छः महीने की, छः महीने की एल्युमिनियम में, 6 महीने, ठीक है। फिर अपने वेंटिलेशन फैन आए थे जी, वेंटिलेशन फैन इसमें 3 साइज मिल जाएंगे, 6 इंच, 8 इंच और 12 इंच। ये अपने 10 इंची का है जी, ये 10 इंची में आपको पड़ेगा 800 रुपये का, ठीक है। और 8 इंची में पड़ेगा आपको 700 रुपये, 700 रुपये का। एक साल की इनकी गारंटी रहेगी, एक साल की गारंटी रहेगी, ठीक है। फैंसी में हैवी एयर है इसमें, अपने अच्छी क्वालिटी में फ्रेश एयर है। ये 12 इंची में अपने कॉपर में आपको पड़ेगा 900 रुपये का, कॉपर में, कॉपर में 100% प्योर कॉपर में होगा। और इसमें एक 9 इंची का है, 9 इंच में आपको पड़ेगा 850 का जी। मोटर दोनों में सेम है, बस एसेसरी का फर्क है दोनों में, ठीक है। सीलिंग फैन आया था जी, सीलिंग फैन अपना 24 इंची का, ये आपको पड़ेगा 650 का, 650 फोर ब्लैक के अंदर जी, पूरा कंप्लीट सेट आएगा 650 में। सीजन की गारंटी होगी, सीजन की गारंटी जी, 6 महीने की। फिर अपना 48 इंची में आया था, 48 इंची में आपको पड़ेगा 700 रुपये का, 700 रुपये जी। एल्यूमिनियम होगा ये भी, एल्यूमिनियम, ये सीजन की गारंटी रहेगी, ठीक है। गारंटी सबकी रहेगी इसमें, ठीक है। और फिर अपना एक फैन वाली मॉडल ये वॉल फैन आया था, कहा कि आप किसी भी एंगल में इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये आपको पड़ेगा 500 रुपये का, 500 रुपये, ठीक है। जिसकी भी सीजन की गारंटी है। फिर अब ये भैया क्या रेट में, ये अपने नेट के बंडल हैं, ये अपने कूलर की खास के ऊपर लगते हैं पर्दों के ऊपर, ये बंडल मिलेगा हमारे पास 5.80 रुपये मीटर। अच्छा। ये 160 मीटर का बंडल आएगा, 928 रुपये का बंडल बैठता है। अच्छा। फिर अपनी घात आ जाती है 18 इंची घात आपको पड़ेगी 32 रुपये सेट, 32 रुपये सेट क्वान्टिटी के अंदर, 30 पीस का बंडल आएगा इसका। फिर इनके ऊपर के कवरिंग के लिए जाल आते हैं, जाल के अपने हल्के भारी के फर्क आएगा, ये अपने 18 इंची का ये पड़ेगा 220 रुपये का, 220 रुपये ये मीडियम में। और इसमें एक हल्की क्वालिटी है जी, आपको पड़ेगी 175 रुपये की, 175 रुपये 10 सेट की गड्डी आती है, 10 कूलर की गड्डी। अच्छा। और 15 इंची के अंदर, 15 इंची के अंदर सेम चीज़ यही आएगी, 15 ये आपको पड़ेगी 155 रुपये 15 इंची में, और 18 इंची में 200 रुपये जी। अपना बड़ा फायदा आता है 4 फुट का जी, 4 फुट का पड़ेगा 350 रुपये, 350 रुपये की गड्डी, 10 सेट आएंगे 35 रुपये सेट पड़ेगा, ठीक है। बोल रहा हूँ वो क्या बात कर ले यार, 3:20।